प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने बताया कि उन्हें पहले पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे, पढ़ना चाहती थी लेकिन पढ़ नहीं पाती थी, जिस कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर उस बहन ने कहा कि मैंने आपके साथ में मिलकर रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होना शुरू किया और अब उस बहन ने बताया कि मेरा कंसंट्रेशन बढ़ गया है, अब वो पढ़ाई में उसका मन लग गया है और अब वो अच्छे से पढ़ाई कर रही है। उसने बताया कि परमेश्वर ने उसके जीवन में एक अद्भुत आश्चर्य कर्म किया कि अब उसका मन पढ़ाई में लगता है। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय और 23 से 27 पद तक, जहां पर कुछ इस प्रकार से है कि एक बार यीशु मसीह और उसके चेले नाव से सफर कर रहे थे। अचानक से झील में तूफान आ गया और यीशु मसीह उस समय सो रहे थे। तो जब बहुत ज्यादा तूफान आ गया तो उनमें से कोई चेला यीशु मसीह के पास गया और उसने यीशु मसीह से कहा कि हे प्रभु, हम नष्ट हुए जाते हैं, क्या तुझे हमारी चिंता नहीं है, हम नष्ट हुए जाते हैं। और तब यीशु मसीह उठे और यीशु मसीह ने उन्हें कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम क्यों डरते हो। तब प्रभु यीशु मसीह ने आंधी को और पानी को आज्ञा दी और वो थम गया, वो शांत हो गया। इस पर सब लोगों ने अचंभा किया कि किस प्रकार से आंधी और पानी ने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को माना। मेरे प्रियो, आज सुबह में हम लोग देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ा आश्चर्य कर्म किया कि प्रभु यीशु मसीह ने आंधी को और पानी को शांत कर दिया। प्रभु यीशु का मतलब प्रभु यीशु मसीह को हर एक चीज पर सामर्थ है, इस नेचर पर भी प्रभु यीशु मसीह को सामर्थ है। वहां पर चेलों ने इस बात को जाना, इस बात को पहचाना कि पानी भी और हवा भी, तूफान भी प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं। मेरे प्रियो, हम यहां पर देखते हैं कि जितने चेले थे उनमें से बहुत सारे चेले मछुआरे थे जिन्हें नाव पर चलना बहुत अच्छे से आता था, नाव को हैंडल करना बहुत अच्छे से आता था, उन्हें तूफान के बीच से निकलना बहुत अच्छे से आता था। परंतु उस दिन शायद कुछ ज्यादा ही बड़ा तूफान झील में आ गया जिसको वो हैंडल न कर सके, अपने आप को बचा न सके। उन्होंने पूरी कोशिश की होगी परंतु वे हार गए। तब वे प्रभु यीशु मसीह के पास गए और जब वे प्रभु यीशु मसीह के पास गए तो पानी थम गया, तूफान थम गया और नाव स्थिर हो गई और सब लोग सुरक्षित बच गए। मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, हो सकता है आपके जीवन में भी अनेक प्रकार के तूफान हो जिनके देखकर आप डर गए हो, आप घबरा गए हो, आप परेशान हो रखे हो, अनेक प्रकार के दुख, परेशानियां, संकट, तूफान जैसे आपके जीवन में आ गए हो और आपकी नाव मानो डगमगा रही है समुद्र के बीच में, झील के बीच में, जैसे कि आपकी नाव डगमगा रही है, आपको बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, आप डर रहे हैं, आप घबरा रहे हैं, मानो आपको कहीं से भी कोई सहायक नहीं मिल रहा है। मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप ऐसी परिस्थिति में घिरे हुए हैं जब आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, जब आपकी नाव डगमगा रही है, जब आपका कोई सहायक नहीं है, जब आप कोशिश करके हार चुके हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं। जिस प्रकार से ये चेले प्रभु यीशु मसीह के पास गए, उसी प्रकार से आप भी प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं। और जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे तो अपने जीवन में आप सॉल्यूशन को देखेंगे, अपने जीवन में आप उस चीज के आंसर को देखेंगे, अपने जीवन में आप उस सही रास्ते को देखेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह फिर आपके जीवन के उन तूफानों को, उन आंधी को शांत कर देंगे और जो आपकी नाव, जो आपके जीवन की नाव जो डगमगा रही है, प्रभु उसे स्थिर कर देंगे और उसे पार लगा देंगे। हां मेरे प्रियो, उसे दूसरी साइड पहुंचा देंगे जिसे आप अपनी सामर्थ से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके जीवन में तूफान जो आ गए हैं इसलिए आप अपनी नाव को दूसरी पार नहीं लगा पा रहे हैं, जो आपकी योजना थी आप उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जो आपकी इच्छा थी आप उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। परंतु आज सुबह में मैं आपसे कहूंगा, यदि आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, यदि आप उससे विश्वास करते हैं, तो वो आपकी नाव को डूबने नहीं देगा। हालांकि तूफान आएंगे परंतु आपकी नाव डूबेगी नहीं, प्रभु उस नाव को स्थिर कर देंगे। यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह भी उस नाव पर थे, तूफान तो आया
तूफान तो आएंगे, परंतु प्रभु यीशु मसीह यदि हमारे साथ में है तो हमारी नाव डूबेगी नहीं, और प्रभु आपके साथ में है तो आपकी नाव कभी भी नहीं डूबेगी। हालांकि वो डगमगा रही है परंतु वो डूबेगी नहीं, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ में है। वो आपकी नाव को डूबने नहीं देगा, वो आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपको मरने नहीं देगा, वो आपको ऐसे ही नहीं छोड़ देगा उस तूफान में। प्रभु उस तूफान से आपको बाहर निकालेगा, उस संकट से, उस मुसीबत से, उस विपत्ति से परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा, क्योंकि आपका भरोसा उस पर है। जो जिस किसी का भरोसा उस पर है, जो कोई उसके पास आता है वो कभी भी लज्जित नहीं होता, उसका कभी भी हानि नहीं होती है। परमेश्वर उसे स्थिर रखता है, उसके पांव को परमेश्वर स्थिर रखता है, उसके पांव को परमेश्वर डगमगाने नहीं देता है, फिसलने नहीं देता है। हम ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे कहूंगा, आप बिल्कुल भी चिंतित न होएं, बिल्कुल भी परेशान न होएं। यदि आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति चल रही है तो प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं, उससे प्रार्थना करें, वो आपके जीवन में सब कुछ ठीक कर देंगे, आपकी उस डगमगाती हुई नैया को बिल्कुल स्थिर कर देंगे और आपको उस पार ले करके जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। आइए हम सब अपने सरों को झुकाकर, अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं ओ सामर्थी और पवित्र परमेश्वर। प्रभु हम आपकी पवित्र पवित्र अति पवित्र उपस्थिति में आते हैं लॉर्ड फादर। प्रभु जी आप सर्वशक्तिमान हैं, आप दया के सागर हैं परमेश्वर, आप अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर हैं, सृष्टिकर्ता हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, सच में मेरे खुदावन हर एक मुसीबत से और संकट से बचाने वाले प्रभु हैं पिता, हर एक बात पर अधिकार रखने वाले परमेश्वर है लॉर्ड। आपकी महिमा हो, हम आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु, हम की तारीफ करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी सच में हम घटे प्रभु और आप में बढ़ते चले जाइए प्रभु यीशु मसीह। ये सुबह का समय जो आपने हमें दिया है, ये पहला समय जो हम आपके संग में बिता रहे प्रभु, इस समय के लिए हम धन्यवादी हैं प्रभु। धन्यवाद की रात भर में संभाल कर यीशु राजा ओ हमारे प्रभु, आपने ये नया दिन हम सबके जीवन में दिया और ये नया समय हमारे जीवन में दिया कि हम आपकी महिमा करें, हम आपकी तारीफ करें, आपके साथ संगति करें, अपने दुखों को आपके सम्मुख रखने पाए, बयां करने पाए लॉर्ड, ताकि आप हमारी सुनकर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। प्रभु आप प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले हैं प्रभु, आप दया करने वाले परमेश्वर, प्रेम करने वाले परमेश्वर है, क्योंकि हम सब आपकी निज प्रजा हैं प्रभु यीशु मसीह। आपने हम सब का उद्धार किया प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद। हम धन्यवाद करते हैं हमारे गुनाहों को आपने माफ किया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप प्रतिदिन हमें अपनी सामर्थ्य से भरते प्रभु, सामर्थ्य के लिए धन्यवाद। हमारे हृदयों को दृढ़ करने के लिए, हमारे पैरों को स्थिर करने के लिए यीशु राजा हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्यारे प्रभु आज की सुबह में परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति हम सब के संग में मांगते हैं प्रभु। जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे और हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे पिता, आपकी उपस्थिति उनके संग में है पिता, तेरा धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पिता परमेश्वर लॉर्ड। आप उन्हें ब्लेस करें प्रभु, अपनी रूह से भर दीजिए प्रभु, पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य से भर दीजिए प्रभु। आज के दिन में आप अपने बेटे बेटियों को ज्ञान बुद्धि समझ से भर दीजिए प्रभु, इनके हृदयों को दृढ़ करे, इन्हें सामर्थ्य बनाए प्रभु। और कहते परमेश्वर आज के दिन में पवित्र आत्मा आप हम सबको गाइड करें सही डायरेक्शन में चलने में, सही रास्ते को, सही रास्ते में चलने में, सही डिसीजंस को लेने में, सही बातों को अपनी लाइफ में करने में आप पवित्र आत्मा गाइड करें। हर एक पाप से, हर एक गलत संगति से, हर एक बुरी आदत से पवित्र आत्मा आप अपने बेटे बेटियों को बचाएं, होने दे, आप इनसे बातचीत करें, आप इन्हें अगुवाई करें, आप एक लीडर की तरह हमें गाइड करें होली स्पिरिट। थैंक यू, क्योंकि हम आपके बिना पवित्र आत्मा कुछ भी नहीं, आप हमारे वो पवित्र सहायक है जो हर घड़ी हमारे संग में रहता है और हमें गाइड करता है। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता, पिता तेरा धन्यवाद करते प्रभु। हमें प्रार्थना करती हूँ आज के सुंदर वचन के लिए लॉर्ड, धन्यवाद कि आप निरंतर अपने वचन के द्वारा प्रभु सामर्थ्य और जीवित वचन के द्वारा प्रभु हमें उत्साहित करते प्रभु। सच में प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार हमने वचन को सुना परमेश्वर की प्रभु, सच में खुदावन तो तूफानों को शांत करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। जीवन की मुसीबत, संकट और विपत्ति
विपत्तियों से बचाने वाला परमेश्वर है प्रभु। सच में प्रभु, जब तूने अधिकार से प्रभु उस तूफान को कहा, वो शांत हो गया, क्योंकि प्रभु सब बातों पर आप प्रधान है लॉर्ड। थैंक यू फादर। प्रभु प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय प्रभु तेरे बेटे बेटियां प्रभु उनके जीवन में प्रभु ऐसे तूफान जो आ गए हैं पिता परमेश्वर, जीवन में परिवारों में समस्या, लड़ाई झगड़े, कलेश, नाना प्रकार के एडिक्शंस प्रभु, और बहुत सारी समस्याएं जो परिवारों में और इन भाई बहनों के जीवन में आ गई है प्रभु। मैं दुआ करती प्रभु इनके जीवन में आने वाले उन हर एक तूफानों को प्रभु आप शांत करें। जिस प्रकार हमने वचन में सुना उसी प्रकार यीशु मसीह इनके जीवन में आए हुए उन सारे तूफानों को शांत करें। आप करें प्रभु, क्योंकि प्रभु आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है पिता। आज प्रभु इस भाई के जीवन में उन तूफानों को शांत करें, इन बहनों के जीवन में आप उन तूफानों को शांत करें, नौजवानों के जीवन में, बच्चों के जीवन में, बुजुर्गों के जीवन में आने वाली जो समस्या परेशानी और बहुत सारे स्ट्रगल्स बीमारियां हैं, इन सारे तूफानों से आप इन्हें बचाइए परमेश्वर। थैंक यू फादर, धन्यवाद, क्योंकि प्रभु जिस नाव पर आप सवार है प्रभु वो नाव कभी नहीं डूबती, परंतु प्रभु आप हमें पार लगा हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु सच में मेरे पिता, क्योंकि आप तो एक पवित्र और अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर है खुदा। तेरा धन्यवाद, तू हमारा चरवाहा, इन भाई बहनों का चरवाहा प्रभु होने दे पिता। यदि प्रभु इनके परिवार में समस्या है, लड़ाई झगड़ा है, बैर भाव है, मन मुटाव है प्रभु, प्रभु एक एकजुट परिवार नहीं प्रभु होने दे। ये तूफानों को इनके जीवन से दूर करे पिता, और इनके परिवारों में मेल मिलाप को दे प्रभु जी, और प्रभु ये सारी गड़बड़ियां जो इनके जीवनों में है पिता यीशु के नाम से वो दूर होने पाए प्रभु। जीवन के जिस भी क्षेत्र में प्रभु यदि इनका कोई भी तूफान आया है प्रभु यीशु मसीह, कोई भी गड़बड़ी, कोई भी परेशानी, कोई भी संकट, कोई भी मुसीबत इनके जीवन में आ पड़ी है प्रभु, तो हम कहते प्रभु इस समय प्रभु ये अल्प विश्वासी ना बने प्रभु, अपने विश्वास में कमजोर ना बने, परंतु खुदावंद यीशु मसीह प्रभु ये तुझ पर विश्वास करके इस परिस्थिति में आगे बढ़ सके। आप इनके हृदयों को दृढ़ करें, आप इन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरें। होने दे परमेश्वर की ये तेरी और सिर्फ तेरी और सिर्फ तुझसे प्रार्थना करे और तेरी मर्जी को अपने जीवन में देख सके परमेश्वर। स्थिर रहे पिता, और प्रभु होने दे आप इन्हें ऐसा ही याव दे प्रभु कि इस समय प्रभु ये तुझसे प्रार्थना करे और अपने जीवन में उन आश्चर्य कर्मों को देखने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद आज की सुबह में तूने हमारी विनती प्रार्थना को सुना लॉर्ड फादर। इस समय जब तेरे बेटे बेटियां प्रभु जो भी इनका निवेदन है प्रभु, जिस भी समस्या से गुजर रहे, जिस भी दुख से, जिस भी परेशानी और जिस भी बीमारी से गुजर रहे लॉर्ड फादर, आप इनके प्रार्थना का उत्तर दे, आप इनकी सुधि ले। मैं नहीं जानती आज इनके जीवन में क्या समस्या है, क्या परेशानी लेकर आपके बेटे बेटियां बैठे हैं, परंतु यीशु आप जानते हैं, एक-एक के समीप आप हैं, एक-एक के हृदय के अंदर आप रहते, क्योंकि प्रभु हम सब आपका मंदिर और हमारे अंदर आप जीवित है, परमेश्वर वास करते। थैंक यू फादर, धन्यवाद प्रभु, आप इन्हें ब्लेस करें, इनके हृदयों में आए और इनके जीवन में आप इनके प्रार्थना का उत्तर दे प्रभु। धन्यवाद पिता, हम प्रार्थना करते उन भाई बहनों के लिए प्रभु जिनका प्रभु आने वाले समय में परमेश्वर मैरिज होने जा रहा है पिता परमेश्वर, मैरिज फिक्स हुआ है पिता। हम दुआ करते प्रभु उनके वैवाहिक जीवन में प्रभु आप आशीष दे, एक नया परिवार आप जोड़ने जा रहे हैं प्रभु, एक नया रिश्ता आप जोड़ने जा रहे हैं प्रभु। तेरा धन्यवाद कि उनके प्रभु परिवारों में प्रभु उस रिश्ते पर आप आशीष दे प्रभु जी, और उनकी मैरिज में किसी भी वस्तु की घटी कमी ना हो, परंतु अपने महिमा में धन से सब कुछ आप उपाय करें प्रभु। यदि फाइनेंस की कमी आ रही है प्रभु, किसी भी चीज़ की कमी आ रही है प्रभु, उस कमी को आप पूरा करें परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, हम प्रार्थना करते जिनका आज की सुबह में प्रभु जन्मदिन है पिता, हम प्रार्थना करते प्रभु आप उन्हें ब्लेस करें परमेश्वर, ने एक नया साल देने के लिए धन्यवाद प्रभु। एक प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आप उन्हें दीर्घायु दीजिए प्रभु, उनके सपनों को पूरा कीजिए प्रभु, और अपने दान वरदानों से, अपने गिफ्ट से आप प्रभु इन भाई बहनों को भरिए प्रभु यीशु। इस जन्मदिन में प्रभु कुछ स्पेशल प्रभु आप इनके जीवन में करें प्रभु, ताकि प्रभु अपने जीवन में प्रभु सारी महिमा और आदर आपको दे सके। धन्यवाद प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए प्रभु, अच्छी हेल्थ दीजिए परमेश्वर, ताकि प्रभु अच्छा स्वास्थ्य पाकर प्रभु अपने जीवन में ये सब कुछ कर सके लॉर्ड फादर। ब्लेस करें प्रभु जी छोटे बच्चे जिनका जन्मदिन है, नौजवान बुजुर्ग जिनका जन्मदिन है, सबको आप ब्लेस करें परमेश्वर। प्यारे खुदावन, आज की सुबह में अच्छे स्वास्थ्य को हम मांगते हैं। जो बीमार है वो अपने सरों पर हाथ रखें, जो दर्द में है वो अपने सरों पर हाथ रखें, जहां पर आपको दर्द है, जहां पर बीमारी, आप वहां पर हाथ रखें। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह लॉर्ड, मैं विनती करती हूँ प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ और विश्वास की प्रार्थना में मेरे अब्बा आपसे मांगती हूँ पिता, कि इस बीमारी को जो इनके शरीर में है पिता, आप नष्ट करें पिता परमेश्वर, आप इन्हें छू लें पिता, और कहते यीशु के नाम से ये
बीमारी इनके शरीर से नष्ट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। वो दर्द नष्ट हो जाए यीशु के नाम से, वो बीमारी नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। छोड़ दो इनके शरीर को यीशु नासरी के नाम से। हम तुम्हें आज्ञा देते हैं प्रभु, आप इन्हें छूकर चंगा करें पिता। धन्यवाद पिता, हर एक जन तुझ में स्वस्थ रहने पाए प्रभु, ताकि तेरी और सिर्फ तेरी महिमा करे। धन्यवाद यीशु यह समय देने के लिए पिता, कि हम आपकी हम दो सना करें, हम आपकी महिमा करें। लॉर्ड फादर, आपसे अपने मन की बातों को, अपने दुख को कहें इस समय प्रभु, जब ये भाई बहन दुखों में है, परेशानी में प्रभु, आंसुओं से प्रभु इनका जीवन भरा है, तूफानों से भरा हुआ। लॉर्ड, इस समय आपकी जरूरत प्रभु इन भाई बहनों को है पिता। आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता, इनके जीवनों में आकर आप इनके जीवन को सवारे प्रभु, बनाए प्रभु, क्योंकि कुम्हार आप हैं और मिट्टी हम हैं, और हमें आप बनाते परमेश्वर। आप इनको बनाए प्रभु, इनको सवारे प्रभु, इनके जीवन को सब कुछ आप प्रोवाइड करें प्रभु। थैंक यू फादर, धन्यवाद सुनने के लिए, उसका उत्तर हाँ और आमीन में देने के लिए अब्बा, आपका धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। हम आप सब भाई बहनों का हृदय से धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आप वचन और प्रार्थना के द्वारा आशीष पा रहे हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि निरंतर आप संगति में, प्रार्थना में, वचन में बढ़ रहे हैं, प्रभु की नज़दीकी में बढ़ रहे हैं। ये परमेश्वर में एक अद्भुत काम है। आप अपने प्रार्थना निवेदनों को हमें भेज सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। भले आपको हम रिप्लाई ना कर सके, परंतु हमारी पूरी टीम मिलकर आपके लिए सामूहिक प्रेयर करती है। इसलिए आप भी हमारे लिए और हमारे इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें, हम आपके लिए प्रेयर करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।